अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यार आज आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आपके सामने पाकिस्तान का और इंडिया का झंडा गिराया जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सोच रहे हैं? सोच नहीं, वीडियो में देखते हैं क्या रिएक्शन आता है लोगों और का। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता हाँ देते हैं। बिल्कुल, आप बता सकते हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। तो वीडियो दिखाते हैं जिसमें दैट वॉज क्रेजी यूट्यूब चैनल ने दिखाया है कि जब पाकिस्तान इंडिया का झंडा पाकिस्तानियों के सामने गिराया जाता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है, क्या वो खुश होते हैं इंडिया का झंडा नीचे देख के, या वो कहते हैं कि ये भी किसी मुल्क का झंडा है, इसका भी एहतराम होना चाहिए। देखते हैं वीडियो में, और इस वीडियो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर इनके चैनल पे जाके इनको लाइक सब्सक्राइब और इनके यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस दिस इज योर बॉय अली अहमद। टाइटल देखे तो आपको चलिए, आज हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का झंडा है मेरे पास, मैं चेंज ड्रॉप करूंगा और हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की रिएक्शन क्या है इंडिया को लेके। तो गाइस ये झंडे जो है ये ओरिजिनल नहीं है, आप लोगों ने दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना, ये जस्ट एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। तो चलते हैं फिर वीडियो दिखाना चाहते हैं कि लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं। दोनों झंडे उठाए हैं उन्होंने, देखे यार। अच्छा अच्छा झंडे कितने यार, ये आपके पे नहीं तो ये क्यों उठाए, इसे फेंक दें आप। नहीं ये भी तो झंडा ही है। नहीं है तो इंडिया का ना, ये आपने क्यों उठा लिया, तो किसी काम का नहीं है। हमारा प्लान से क्या होता है, दोनों झंडे हैं और झंडे का एहतराम करना चाहिए, चाहे नहीं फिर भी देखें, आप किसी का करेंगे तो कोई आपका करेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का तो मैं उठा लूं, लेकिन ये फाड़ दें आप, फाड़ दें अपने हमारे वाले, वो हमारा फाड़ेंगे। सही बात है, फिर जब आप गाली देंगे बुरा करेंगे आपके साथ तो जरूर होगा। एक्सेप्ट रखें लाजमी उसका, बिल्कुल उम्मीद रखें कि आप सब वैसे हो, फिर जैसा आपको बेहतर लगे उसकी रिस्पेक्ट किया करें। चलिए थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो यार? मेरे पास ना दो झंडे, तो अगर मैं आपको 500 रुपये दूँ तो आप कौन सा फाड़ोगे? क्या मतलब? मतलब ये मेरे पास दो झंडे हैं, ठीक है, इनमें से मैं आपको अगर 500 रुपये दूँ कोई एक झंडा फाड़ने को बोलूँ तो आप कौन सा फाड़ोगे? 500 की जरूरत नहीं है, मैं फाड़ दूँगा। ये फाड़ दोगे क्यों? नहीं मतलब क्यों फाड़ोगे, कोई रीज़न हो? आपने फड़वाना था, मैं फाड़ दूँगा कि मतलब कोई रीजन हो सकता है। देखो ये भी तो झंडा है, मुझे नहीं ना पता। देखो ये भी यार आपने बोला है ना, बहस वाली बात नहीं। नहीं बिल्कुल, अब ये देखो ये भी फ्लैग है, ये भी फ्लैग है, मुझे सब पता है, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं पाकिस्तान हूं। अच्छा तो फिर मतलब क्यों फाड़ो? नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अगर मैं कहूँ ये वाला फाड़ दो तो फाड़ दो क्यों? ऐसा क्यों, इसमें क्या है? इसमें जान है तो इसमें कुछ भी नहीं है यार। ये भी यार महबूबा ही है तकरीबन, भजन। हेलो भाई, आपके नहीं तो आपने उठाया, मैं समझा शायद आपके। ये वाला फेंक दो यार, इंडिया का क्यों रखा हुआ? ये हमारा पड़ोसी मुल्क है भाई, इंडिया का झंडा रखा हुआ भाई ने। खान साहब क्या हो गया जी, इंडिया का झंडा घुमा रहे हो, मुझे जासूस लग रहा है भाई। जासूस महसूस नहीं है भाई, ये दोनों ये हम तो पाकिस्तान के, लेकिन ये है ना ये हमारा पड़ोसी, इसे फेंक दो यार उधर। हाँ इसे फेंक दो उधर पीछे वाले डस्टबिन में फेंको यार, इसे छोड़ो, ये हमारा पड़ोसी के मुल्क है, हम इसका गुड यार गुड सैल्यूट ऑफ यू। खान साहब देखो गलत बात है यार, इसे नहीं रखना चाहिए, मैं तो भाई कहता हूँ फेंक देना चाहिए ना इसे, हमारा पड़ोसी मुल्क है, छोड़ दूं जाने, चलो यार सैल्यूट टू यू खान साहब। वैसे ना मेरे हिसाब से तो फेंक देना चाहिए, नहीं हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम तो हम अपने मुल्क के लिए चाहिए, अमन असल चीज है, अमन वो बोल रहा है ना, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो कल को वो फिर ऐसा करेंगे, तो हमने मुल्क के अमन चाहिए हमको। चलें खान साहब, वैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है, ख्याल करना चाहिए। दोनों उठाए इसने, नहीं नहीं भाईजान एक्सक्यूज मी ब्रो, भाई ये आपका झंडा रह गया उधर, आप नहीं सर मेरा ये नहीं, तो ये उधर पड़ा था आपने ये नहीं उठाया, ये बस ये नीचे ही रहना चाहिए मेरा, बेसिकली ये जो मेरा था वो मैंने उठा दिया। नहीं तो ये भी तो झंडा था ना, वो ये आपके, ये भी आपका नहीं है क्या? ये मेरा ही झंडा है, तो ये वहाँ पर पड़ा था, तो वो किसी और का हो सकता है, ये मेरा नहीं है, जिसका है बस मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस मेरा जो था मैंने उठा लिया। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके फ्लैग से?
नहीं मेरे फ्लैग नहीं है लेकिन नीचे गिरे हुए हैं। नहीं तो ये वाला आप फेंक देना, वो वाला उठा लिया तो क्यों? ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब कि झंडा जो है वो इज्जत की निशानी है, किसी का भी हो, किसी भी कौम का हो, चाहे पाकिस्तान का झंडा है, इंडिया का झंडा है, लेकिन हम हमें इन दोनों को सुप्रीम करनी चाहिए। मैम देखिए इंडिया तो मुझे नहीं ख्याल कि इंडिया को उठाना चाहिए। जो भी मैं देखता हूँ मेरा अपना दिल कर रहा था उधर से कि मैं ना पाकिस्तान का उठा लूँ तो इंडिया का छोड़ दूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी लोग अच्छे हैं। अगर आप देखिए तो ये एक हमारा ना पॉलिटिकल एक चल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट वो चाहती है कि नहीं आपस में हम सब कभी एक दूसरे के साथ खुशी से ना रहें। तो बेशक मुझे भी उनके साथ बहुत सारे इख्तलाफात हैं, पर झंडा तो झंडा है ना, इसकी तो मेरे ख्याल में इज्जत करनी चाहिए। मैं फाड़ देता हूँ, आप मुझे दे दें। पाकिस्तानी झंडे को क्यों मार भाई? भाईजान हेलो, आपने दोनों झंडे क्यों उठाए? दोनों झंडे हैं, एक पाकिस्तान के हमारे, वो मैं यहाँ पर नहीं, नहीं, नहीं पर ये फेंको ना आप, ये फेंको। नहीं, नहीं ये गलत है जी, ये गलत है। क्यों? कल फिर इंडिया में हमारा झंडा उठाएगा वो भी भाई ये फेंकेगा, ये गलत है। आपको पता है किसी काम का नहीं, सिर्फ लड़ाइयाँ चल रही है हमारे से। फेंक झंडे के साथ थोड़ी दुश्मनी है, ठीक है उसके साथ आर्मी के साथ हो गई है, उसके पाकिस्तान की गलत सोच है हमारे से, झंडे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब आप चाहते हो कि झंडा ना फेंको? झंडा ना फेंको, कल हमारा वो झंडा फेंगे तो हम क्या, हमारे भी कुछ होगा ना, कल हमारा वो झंडे को आग लगा देगा तो हम लोग भी तकलीफ हो जाएगी। वैसे मुझे नहीं ख्याल ये उसको फेंक देंगे तो उसकी भी कोई तकलीफ, मेरा नहीं ख्याल कि इसको रखना चाहिए, इसे फेंक देना चाहिए, इसे फेंक दो किसी काम का नहीं। गलत भाई, ये झंडे आपके हैं? नहीं है, मेरे नहीं है, ये इधर पड़े हुए थे, मैंने उठा लिया। अच्छा सर, नहीं ये वाला झंडा ना ये इंडिया का है तो ये आपने क्यों उठा लिया? भाई झंडे तो दोनों झंडे ही है ना, इसमें कौन सा हमारा इंडिया को उठा लिया? नहीं ये फाड़ देना चाहिए, इसे फेंक दें, ये किसी काम का नहीं, इसे ऊपर ना रखें। भाई क्यों फाड़ देना चाहिए? आपको पता तो है वो इंडिया यार, इसको नीचे फेंके, ऐसे नहीं करते, अपना झंडा आप रखें। लेकिन इंडिया में भी तो मुसलमान रहते हैं ना, वो भी तो इससे प्यार करते हैं ना। रहते तो हैं यार, फिर भी मुसलमान रहते हैं, वो पाकिस्तान से भी तो प्यार करते हैं ना। देखो यार गलत हो जाना इधर, आपको पता है मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभी, इसे फेंक दो आप नीचे। आपको गुस्सा आता है? थोड़ी सी, लेकिन वो ना पता है क्या, इंडिया को झंडे को देख के मुझे गुस्सा आ जाता है बस। क्या हो गया इंडिया के झंडा है? फिर भी इंडिया में मुसलमान रहते हैं वो इनसे प्यार करते हैं, इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वो हमसे प्यार करते हैं ना, ऐसे इस तरह हमें भी प्यार करना चाहिए उनसे। चलें सर, अगर हम उनसे प्यार करेंगे तो फिर मैं दोनों रख लूं? हाँ दोनों रख लूं। एक्सक्यूज मी छोटे भाई, मुझे ये फ्लैग आपके हैं? ये नीचे गिरे हुए थे। नहीं तो इसको तो फेंक दो ना, ऐसे क्यों आपने उठाया, ऐसे फेंक दो नीचे। झंडा होता है ना, चाहे वो पाकिस्तान का। ऐसे ही सोचा, मतलब ज्यादा हेट नहीं दिखाया किसी ने, एक दो बंदे थे जिन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो समझदार था उसने यही कहा कि भाई दोनों ही झंडे हैं और झंडे की तकलीम करनी चाहिए, वो किसी का भी हो। ना उठाए लेकिन आप फेंक दो यार इस टाइम, आपको पता नहीं है इधर लड़के छड़के बुला लूंगा मैं, मार वार पड़ जाएगी इससे। फेंक, मार नहीं पड़ती, टेंशन ना ले, आप बुला लें जिसको बुलाना है, क्योंकि मार भी पड़ती है, उसको पता है मैं गलत नहीं हूँ। ये तो इंडिया का झंडा ना, वो पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का, लेकिन झंडा तो झंडा होता है, चाहे यहाँ चाइनीज का गिरा हो चाहे कौन सा भी गिरा हो, झंडा तो झंडा है। मतलब कोई भी झंडा गिरा हो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं यार? आपने कसम से दिल से मुझे खुश कर दिया है, हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो साइड पर देखो पीछे गाड़ी के पीछे ना एक कैमरा हमने लगाया हुआ, तो हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम ना लोगों की राय जानना चाह रहे थे कि लोग क्या रिएक्शन देते हैं, तो यार आपने दिल खुश कर दिया यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऐसा। वैसे ना एक मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो ना खंबे के पीछे शायद आपको कैमरा नज़र आ रहा हो मेरा, मज़ा। तो हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट करे थे, हम देखना चाह रहे थे कि हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है वो इंडिया के बारे में क्या सोचती है, तो हम इंडिया को भी दिखाना चाह रहे थे कि हमारी आवाम क्या सोचती है। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, शुक्रिया। बाय द वे वो ना मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो हमारा कैमरा लगा है, अगर नज़र आ जाए आप लोगों को, तो अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं आपका क्लिप यूज़ कर सकता हूँ, इशू तो नहीं। थैंक यू, ये मेरा नहीं ख्याल, जिसका है ये मुझे उस तक पहुँचाना चाहिए। थैंक यू, एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको मेरे ख्याल में जितनी इज्जत दे सकें, अगर हम आज सबसे अच्छी बात करेंगे कल को हमारे झंडे की। मैम एक्चुअली ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई सुन के, और मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट करा था, हमने ना एक हिडन कैमरा लगा, वो पीछे बोर्ड के पीछे शायद आपको
हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट करे थे कि हम ना अपनी ऑडियंस को और इंडिया वालों को दिखा सकें कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वही हो रहा है, लोग बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बड़ी जबरदस्त, अच्छा मुझे अच्छा लगा, आप मुझे लिंक जरूर शेयर कीजिएगा जो भी आपका है, आप दैट वाज क्रेजी सर्च करेंगे ना तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। अच्छा जबरदस्त हो गया, चले मैं जरूर इसको आप क्लिप यूज कर सकते हो ना, कोई इशू तो नहीं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, मैं बेसिकली खुद भी एक एंकर हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप अगर चाहें तो आप मेरा यूज कर, मैं तो रोज टीवी पे आती हूँ। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत, ये तो हमारे ऑनर की बात है, इसका मतलब है आप इसकी हिफाजत करेंगे। जी जी, इसकी बात करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो इस वीडियो कौन सा पार्ट था जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। गाइस मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजा आ गया। सारी वीडियो ही बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा कौन सा पार्ट अच्छा लगा, मुझे सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी। हर किसी की अपनी सोच होती है, कुछ लोगों ने कहा है तो उनकी सोच थी, ठीक है उन्होंने अपनी सोच बताई है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, पाकिस्तानी विड्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।